चलिए इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक युवक इसमें घायल है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनकगंज थाना क्षेत्र के दाना ओली की यह घटना है। बड़ी खबर ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक युवक घायल हो गया है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनकगंज थाना क्षेत्र के दाना ओली की यह घटना है। महन कुशवाहा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। महन, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दो कि दानावली के अंदर आज दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है यहाँ पे बाइक सवार युवक थे, जो कि जब उन्होंने जब युवक था एक बाइक से सवार थे, भी बाइक सवार था, अचानक उन्होंने उसकी गाड़ी रोकी और उसकी गाड़ी रोक कर उसके सिर में गोली मार दी, जिससे गोली में सिर में लगने से वहाँ मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया और साथ ही जो उसके एक साथी था वो उसके छर्रे लगने से वहाँ घायल हो गए, जिससे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मौके पर आ चुकी है और जो बदमाश है अभी तक फरार हो चुके हैं। आसपास लगे पुलिस आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको पुलिस खंगाल रही है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में अभी तक पुलिस को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, अपराधी के चेहरे सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आसपास कैमरे और जो है उसके अभी भी पुलिस तलाश कर रही है और जांच रही है और नाकाबंदी चारों तरफ जो कर दिया है बदमाशों की पकड़ के लिए। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं मैन कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश का मामला भी हो सकता है क्या? मैन जानना चाहेंगे क्या ये इस मामले में क्या कोई पुराना विवाद भी है? जी बिल्कुल, लगता है कि एक यहाँ के जो आसपास के लोगों का कहना है कि ये कोई नशेड़ी टाइप के लोग हैं जो यहाँ नशा आए दिन यहाँ पर आए दिन करते थे। हो सकता है कि इसी बात को लेकर किसी का पुराना विवाद उनको चला रहा हो और उसी बात को उन्होंने हत्या की हो। जी जी, दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ, क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्या किसी का ध्यान नहीं गया इन पर? बिल्कुल, जो जब दिन दहाड़े जब बताते हैं जो गली है सकरी गलियां हैं दानापुरी की, सकरी गलियों के होने के कारण जो आसपास जो मकान है लोग दुकानें यहाँ कम है और लोगों के लेकिन मकान बने हुए, लेकिन उस समय जिस दिन घटना घटी उस दिन बहुत कम लोग थे, उन्होंने घटना को देखा है, इसलिए अभी पुलिस बिल्कुल स्थिर पर लगी हुई है, जो बदमाश है उनकी पकड़ जल्द सेल की जाए। जी चलिए महेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं घटनास्थल की, जहां पर दिन दहाड़े युवक को ग्वालियर में गोली मारी गई और दाना ओली की ये घटना है। जनकगंज थाना क्षेत्र का ये इलाका है जहां पर ये हत्याकांड हुई है और दिन दहाड़े युवक को गोली मारा गया, एक युवक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद ये पहले का कोई विवाद हो।